इस दासी ने तुझ पर हाथ उठाया कदरु, और तुमने इसको तन तक नहीं दिया। ऐसे ऐसे नियंत्रित करी तुम इस विंता और उसके पुत्र को। मैं मानती हूँ कदरु कि क्रोध ना करके तुम अपनी जीवित पुत्रिका के व्रत को व्यर्थ नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम्हारे पास ये अंतिम उपाय अपने पुत्रों के प्राण बचाने का। पर यदि तुम इन दोनों खून की मर्यादा नहीं सिखाओगी तो देखना कदरु, ये दासी एक दिन तुम्हारे शीश पर बैठकर राज करेगी और तुम सिर्फ चुपचाप देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाओगी। ये स्वयं तुम्हें थप्पड़ मार सकती है, तो कल्पना करो कि भविष्य में वो अपने विशाल विकट पक्षी से क्या क्या करवाएगी। तुम हंस रही हो कदरु? स्वर्ग में तुम्हें बहुत अच्छी नींद आती होगी ना दीदी, तुम्हें स्वप्न देखने की इतनी लत लग चुकी है कि तुम दिन में भी स्वप्न देखने लगी हो। एक तो दिवा स्वप्न, ऊपर से इतना आनंददायक, हंसू नहीं तो क्या करूं? मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती कि ये तब्बू वृंदा जिसका हर दूसरा शब्द क्षमा कर दीजिए से प्रारंभ होता है, वो कभी मेरे सामने शीश उठाकर राज भी कर पाएगी। वो मेरे समक्ष एक चींटी के समान है, जैसे एक चींटी अपने भार से सहस्त्र गुणा अधिक भार उठाकर चलती है, वैसे ये भी कभी अपराध बोध का, कभी अपने वचन का, कभी अपने अच्छाई का, और कभी दया का बोझ उठाकर शीश पर लाद कर चलती है। जो मेरे सामने अपना स्वर उठाए, असंभव है ये, असंभव। सही कहा तुमने कदरु, ये विंता एक चींटी जैसी ही है, पर किसी चींटी को सताना, उसे मारना, ये बहुत बड़ा महापाप होता है जिसका तुम्हें आभास भी नहीं है कदरु। कदरु कदरु, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा उपाय देने के लिए। अब देखना कदरु, ये छोटी सी चींटी ही तुम्हारे इतने बड़े व्रत को कैसे भंग करती है। बड़े ही हठी बालक हो तुम। आपसे हट करने की दृष्टता तो मैं स्वप्न में भी नहीं कर सकता, ये तो मेरी माँ की आज्ञा है गुरुदेव, उनकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कभी नहीं कर सकता। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मय श्री गुरुवे नमः। जिन गुरु के आगे त्रिदेव भी सम्मान से शीश झुकाते हैं, तुम उन्हीं गुरु की आज्ञा से अधिक अपनी माँ की आज्ञा को महत्व दे रहे हो। श्री गंगा जी के समान कोई और तीर्थ नहीं, श्री विष्णु के समान कोई और प्रभु नहीं, शिव के समान कोई पूज्य नहीं, और माँ के समान कोई और गुरु नहीं। आप मेरे समानीय है गुरुदेव, परंतु संसार में माँ का स्थान कोई और कैसे ले सकता है भला, आप ही बताइए। तुम्हारी माँ ने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है गरुड़, कल्याण हो गरुड़। महर्षि, आप मुझे पहचानते हैं? मेरी माँ ने बताया था आप सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानते हैं, परंतु स्वयं आपकी महानता का अनुभव करना अद्भुत है मेरे लिए। आप कैसे जीवित पुत्री का व्रत के लिए नोनी का साग लेने आए हो ना?
ये रहा, ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि, महर्षि सही टोकरी पहचान लो और नोनी का साग लेकर जाओ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.